गुड मॉर्निंग स्किल इंडिया स्टडी इंडिया। मेरे छात्र बंधु, स्किल इंडिया स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, इंग्लिश, आईटीआई से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो और इतना ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक और इंटर के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। तो मेरे छात्र बंधु, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसको दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं आईटीआई में ट्रेड थ्योरी डीजल मैकेनिक फर्स्ट अध्याय में। हमने पिछले वीडियो में 1 से 30 तक क्वेश्चन बता दिए थे और इस वीडियो में हमने 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, चलती मशीन को कभी डैश से नहीं रोकना चाहिए। ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथ। इसकी व्याख्या है, चलती मशीन को कभी हाथ से नहीं रोकना चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मशीनन के दौरान निकली चिप्स को हाथ से नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो चिप्स हाथ में घुस सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जिस घाव में से अत्यधिक खून बह रहा हो तो उस पर डैश देना चाहिए। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दबाव। व्याख्या है, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं द्वारा घूमता रहता है। चोट लगने पर ये वाहिकाएं टूट फूट जाती है तो रक्त स्राव होने लगता है। वैसे तो हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि रक्त स्राव स्वतः ही रुक जाए, परंतु कभी कभी इन प्रयत्नों में सफलता नहीं मिलती। अतः उस समय बाहरी प्रयत्नों जैसे दबाव लगाकर, फिटकरी लगाकर आदि से रक्त स्राव को रोकना आवश्यक हो जाता है। यह रक्त स्राव रुक नहीं रहा है तो उसकी समीपस्थ धमनी पर दबाव डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जिस मशीन के विषय में डैश नो हो उसे नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी ज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ज्ञान। इसकी व्याख्या है, मशीन पर कार्य करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा चोट या अन्य कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जैसे जिस मशीन के बारे में जानकारी न हो उसे नहीं छूना चाहिए, ढीले वस्त्र पहनकर मशीन पर कार्य न करें, मशीन को हाथ से न रोके आदि सावधानियां बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, रात्रि को कार्य करते समय मशीन पर डैश उचित प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी रोशनी, ऑप्शन डी आग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोशनी। इसकी व्याख्या है, रात्रि को कार्य करते समय मशीन पर रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि सभी चीजें साफ साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 35, फोम टाइप अग्निशामकों में डैश रसायन प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए Na3CO3+AlSO4, तो इसका H2O, सी ऑप्शन है H2SO4, डी ऑप्शन है Al3SO4IS I5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na3CO3+AlSO4। इसकी व्याख्या है, फोम टाइप अग्निशामक में Na3CO3+AlSO4 रसायन प्रयोग होते हैं। आग ईंधन का ऑक्सीजन के उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया आग कहलाती है। अतः आग के लिए 3 चीजें आवश्यक है, ईंधन, ऑक्सीजन तथा ताप। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा मिलकर आग बना, ठोस द्रव और गैस।
फोम टाइप रसायन का प्रयोग तेलीय पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मशीन के कटे हुए चिप्स डैश हटाने चाहिए? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी दस्ताने, ऑप्शन डी ब्रश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रश। मशीन के दौरान कटे चिप्स को ब्रश से हटाना चाहिए। क्वेश्चन 37, घायल व्यक्ति की सांस रुक गई हो तो उसे डैश द्वारा सांस देनी चाहिए? ऑप्शन ए रसायन, ऑप्शन बी कृत्रिम विधि, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम विधि द्वारा। इसकी व्याख्या है, यदि किसी घायल व्यक्ति की सांस रुक गई हो तो उसे कृत्रिम विधि द्वारा सांस देनी चाहिए। इस विधि में घायल व्यक्ति के नाक को बंद रखकर मुंह से मुंह मिलाकर सांस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्कशॉप में आग लग जाए तो तुरंत डैश बंद कर देने चाहिए? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विच। इसकी व्याख्या है, यदि वर्कशॉप में आग लग जाए तो तुरंत मुख्य स्विच ऑफ कर देना चाहिए, फिर आग के प्रकार के अनुसार उचित अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए ताकि आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 39, आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा डैश प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए जूते, ऑप्शन बी चप्पल, ऑप्शन सी चश्मा, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चश्मा। आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग के दौरान धातु खंड से छोटे छोटे चिप्स निकलते रहते हैं तथा यह खतरा रहता है कि ये चिप्स कहीं आंखों में उड़कर नो पर जाए, अतः इससे बचाव के लिए यह आवश्यक है कि मशीन पर कार्य करते समय चश्मा लगाकर ही कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 40, टूल को ग्राइंड करते समय हमेशा डैश पहनना चाहिए? ऑप्शन ए चश्मा, ऑप्शन बी जूते, ऑप्शन सी कपड़े, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चश्मा। इसकी व्याख्या है, जब टूल की ग्राइंडिंग की जाती है तब उससे छोटे टू चिप्स निकलते हैं तथा यह भय बना रहता है कि ये चिप्स आंखों में उड़कर न पड़ जाए, अतः इससे बचाव हेतु टूल को ग्राइंड करते समय चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ तो मेरे छात्र बंधु, इस वीडियो में क्वेश्चन बस इतना ही तक। अगले वीडियो में हमने 41 से 50 तक क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।